पर फिर से स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरे सारे फ्रेंड्स हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे आज के के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अमेजॉन का यूज होम डेकोर हॉल शेयर कर रही हूँ ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ ये अमेजॉन के एकदम लेटेस्ट ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश होम डेकोर प्रोडक्ट्स है तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसमें है ये क्लॉक और इस क्लॉक पर लिखा हुआ है होम बहुत ही प्यारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है एच ओ एम ई और ओ वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें घड़ी जो है वो बनी हुई है नीचे इस तरह का बेस है एक स्टैंड जैसा बना हुआ है उसके ऊपर ये जो एच ओ एम ई वाले अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखे हुए हैं और बहुत ही प्यारी ये घड़ी है बहुत ही सुंदर सा ये क्लॉक है इसको मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ पूरा आपने देखा ही गोल्डन कलर में है नीचे ना इस तरह का ब्लैक कलर का बेस है तो बहुत ज़्यादा ना इधर उधर मूव नहीं करेगा एक जगह पे चिपका हुआ रहेगा और गाइस ये जो प्रोडक्ट है ना ये होम सेंटर का प्रोडक्ट है होम सेंटर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजॉन पर बहुत ही आसानी से मिलते हैं सर्च बार में जस्ट आपको टाइप करना है होम सेंटर होम डेकोर प्रोडक्ट्स या फिर किचन प्रोडक्ट्स और जब आप इस तरह से टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे होम सेंटर के प्रोडक्ट्स रिजल्ट में मिल जाएंगे घर के कॉर्नर में बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट होता है इस क्लॉक की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है देखने में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसमें मैंने लिया है यहाँ पे ये बुद्धा स्टैचू और इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस आते हैं और ये ना बिग साइज़ का बहुत ज़्यादा बिग नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा सा बिग साइज़ का बुद्धा स्टैचू है और ये भी एक होम सेंटर प्रोडक्ट है जो कि मैंने अगेन अमेजोन से लिया है बहुत बारीकी से इस बुद्धा स्टैचू में काम किया हुआ है नग का जो काम होता है ना वो पूरा ब्लैक बॉडी है ब्लैक फिनिश है और उसमें ना ऑरेंज कलर का ये जो क्लोदिंग वाला पार्ट है ना बुद्धा स्टैचू का ऑरेंज कलर का है ये इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन आते हैं आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे तो जैसे ब्लू है ग्रीन है गोल्डन है सिल्वर है तो अपने रूम के डेकोर के अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर सकते हैं बुद्धा स्टैचू की जो फिनिशिंग है वो भी एकदम अमेजिंग है और अमेजोन से ना इसकी डिलीवरी भी सही से आई थी कहीं से भी कुछ टूटा फूटा नहीं था कहीं से भी कुछ ब्रेकेज वाली प्रॉब्लम नहीं थी एकदम सही से आई थी तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है ये सेफ़ स्टाइल का सॉल्ट एंड पेपर सेट और बहुत ही क्यूट ये सॉल्ट एंड पेपर सेट है सेफ़ अंकल स्टाइल का और इस तरह का एक सेफ़ स्टाइल वाला गैस लाइटर होल्डर मैंने अपने किचन में भी यूज़ किया है आपने मेरे किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में देखा होगा और ये जो सैफ अंकल है इस तरह से एक गाड़ी पर बैठे हुए हैं जिसमें इस तरह से तीन पहिए नीचे बने हुए हैं फिनिशिंग बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट की पास से मैं आपको ला दिखाती हूँ और ये जो जार्स हैं ना ग्लास के सॉल्ट एंड पेपर वाले अच्छी क्वालिटी के हैं चीप क्वालिटी के बिल्कुल भी नहीं हैं आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में देखते होंगे जिस तरह की क्वालिटी के सॉल्ट एंड पेपर के ग्लास जार्स होते हैं एकदम वही वाली क्वालिटी है और आगे ना इस तरह का एक छोटा सा होल्डर जैसा बना हुआ है इसमें एक्चुअली टूथपिक्स रखने के लिए बना हुआ है और ये एक पैकेट टूथपिक का साथ में ही आया था और छोटे साइज़ के ये टूथपिक्स हैं जो इस होल्डर में आसानी से आ जाएंगे और डाइनिंग टेबल के लिए इस तरह का डेकोर बहुत ही परफेक्ट लगेगा गाइज ट्राई कीजिएगा तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे अगेन डाइनिंग टेबल डेकोर के लिए ही इस तरह का एक वुडन ट्रे और ये ना ऐसा लगता है देखने में जैसे किसी पेड़ की जड़ नहीं होती आप देख रहे हैं इसका लुक किस तरह का है और पहले ना मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी कि मैं इसको लूँ या ना लूँ लेकिन इसकी जो रिव्यूज़ और रेटिंग्स थे अमेज़न पर वो बहुत अच्छे थे और टचुड मेरा जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है एकदम स्मूथ फिनिशिंग है अंदर ना ये जो सर्कल बना हुआ है तो काफ़ी मतलब बहुत बड़ा सर्कल स्पेसिस तो नहीं बोलूँगी लेकिन छोटा भी नहीं है ठीक ठाक है मीडियम साइज़ का और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो शेयर करूँगी कि इन प्रोडक्ट्स को मैंने कैसे यूज़ किया है अपने रूम के डेकोर के लिए और साइड साइड में इस तरह से खुरदरा खुरदरा जैसा जैसे पेड़ की जड़नी होती उस तरह से बना हुआ है और मैंने जैसे बताया ना कि फ़िनिशिंग बहुत अच्छी है मुझे ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत पसंद आया मैंने कितनी बार आपको बोल दिया आप ट्राई करेंगे तभी जानेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ आप रिलेट कर पाएंगे तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसमें मैंने लिया है यहाँ पर एक फ्लावर वास है और साथ में ब्यूटीफुल से आर्टिफिशियल ये ट्यूलिप फ्लावर्स हैं जो कि वाइट ऑफ वाइट बोल सकते हैं और ब्लू कलर के हैं और ये मैंने अप, अपने लिविंग रूम के डेकोर के हिसाब से लिया है अगेन इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं आप अपने रूम के डेकोर के हिसाब से ले सकते हैं और इस तरह के ग्रीन कलर के लीव्स बने हुए हैं नीचे उनकी डंडियां हैं फ्लावर्स निकाल के मैं आपको वास दिखाती हूँ तो अच्छी क्वालिटी का वास है और इसको क्लीन करने के लिए आपको बॉटल ब्रश यूज़ करना होगा तभी क्लीन होगा और जो फ्लावर्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है एकदम स्मूद फिनिश है और फ्लावर वास जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो मुझे लग रहा था कहीं टूटा फूटा ना आए जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो सेरेमिक या ग्लास की चीज़ों में थोड़ा सा डर लगता है लेकिन अच्छे से पैक होकर आया था अमेज़ॉन से रूम डेकोरेशन के लिए आप इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं बहुत प्यारे लगेंगे आपके रूम के किसी कॉर्नर में रखे हुए जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ ना इनके प्राइस में साथ में नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है मैंने जब इनको ख़रीदा है तो इनका प्राइस कुछ और है हो सकता है आप जब इस वीडियो को देखें और जब ख़रीदें तो हो सकता है आपको सेम प्राइस मिले हो सकता है सेम प्राइस ना भी मिले इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं वहाँ से आप लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसमें मैंने लिया है यहाँ पर ये उडेन डेस्क कैलेंडर और जो नॉर्मली जो कैलेंडर्स होते हैं ना घरों में पेपर वाले उसका एक सबसे अच्छा बेस्ट रिप्लेसमेंट है ये अगर आप इस तरह का कुछ लेना चाह रहे हैं और इसको आप अपने रूम के किसी कॉर्नर में रख सकते हैं रूम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं ऑफिस का जो डेस्क होता है उसके ऊपर रख कर और इस तरह के ना छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स हैं इसमें किसी में यहाँ पर मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं किसी में डेज़ के नाम लिखे हुए हैं किसी में यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं तो डेली आपको चेंज करना होगा जो डेट है वो चेंज करना होगा और डे चेंज करना होगा बाकी मंथ तो वन मंथ के लिए सेम ही रहेगा तो चलिए मैं आपको ना एक असेंबल करके दिखाती हूँ कि आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ तो आज कौन सा डेट है यहाँ पर मैंने सारे वुडन ब्लॉक्स असेंबल कर दिए हैं और आज है सिक्सटीन मे मंडे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूं और घर के किसी कॉर्नर में ना जब आप इसको रखेंगे तो बहुत अच्छा डेकोर का, का काम करेगा और कैलेंडर पर्पज से तो यूज होगा ही तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है ये छोटे छोटे प्यारे से क्यूट बेबी बुद्धाज और इन बेबी बुद्धास का जो थीम है ना वो गांधी जी के जो तीन मंत्र हैं जो आपको याद होंगे बुरा ना बोलो बुरा ना देखो बुरा ना सुनो उनके ऊपर आधारित है तो यहाँ पर जो तीन मंत्र है ना, वो तीन नहीं है, यहाँ पर चार बेबी बुद्धाज हैं तो यहाँ पर चार मंत्र फॉलो किए हुए हैं बुरा ना बोलो बुरा ना देखो बुरा ना सोचो और बुरा ना सुनो और बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे बेबी बुद्धाज हैं ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एकदम स्मूथ फिनिश है और बच्चों को ना ये होम डेकोर आइटम बहुत पसंद आने वाला है जैसे मेरे घर में पीहू को पसंद आया है और कुछ लेसन भी मिलने वाला है बच्चों को इससे डेली तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ हमने मूव किया है और उसमें मैंने लिया है यहाँ पर ये टी लाइट होल्डर और ये इस तरह का ना लोटस शेप का है और ये एक आइकिया प्रोडक्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि होम सेंटर के प्रोडक्ट्स अमेजॉन पर मिलते हैं उसी तरह से आइकिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेजॉन पर इजीली मिलते हैं जस्ट आपको सर्च बार में टाइप करना है आइकिया होम डेकोर प्रोडक्ट्स या फिर आइकिया किचन प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे तो ये एक टी लाइट होल्डर है तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टी लाइट कैंडल रखा है और लाइटअप करके आपको दिखा रही हूँ पूरी ना इसकी मेटल बॉडी है और गरम नहीं होती है कि हाथ जल जाए उस तरह से और नीचे ना खोलने का आपने देखा होगा नट बोल्ट वाला भी सिस्टम है स्टार्टिंग में तो इजीली ना आप इसको खोल कर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अलग करके अच्छे से क्लीन भी कर सकते हो और देखिए कितना प्यारा सा लुक क्रिएट कर रहा है घर के किसी भी कॉर्नर में अगर आप इसको रखेंगे तो तो चलिए अब हमने मूव किया है नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ उसमें मैंने यहाँ पे लिया है एक आर्टिफिशियल प्लांट और ना इसमें नीचे उडेन बेस बना हुआ है उडेन वास आप बोल सकते हैं इस आर्टिफिशियल प्लांट का जो लुक है ना वो एकदम रियल सा लगता है एकदम नेचुरल सा अगर आप उसको दूर से देखेंगे ना तो एकदम लगेगा एकदम रियल प्लांट है जब तक आप उसको पास से छू कर नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा कि आर्टिफिशियल प्लांट है और देखिए मैंने आपको पूरा टर्न करके दिखा दिया है और इसकी जो क्वालिटी है वो अगेन बहुत अच्छी है आर्टिफिशियल प्लांट्स जो इस तरह के होते हैं ना उनको कभी भी धोने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में मत सुखाइएगा तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसमें मैंने लिया है यहाँ पर इस तरह के दो जार्स हैं एक नमकीन जार है और एक कुकीज़ जार है एक्चुअली ये है तो स्टोरेज जार्स किचन परपज़ के लिए लेकिन इसको मैं यूज़ कर रही हूँ डाइनिंग टेबल डेकोर के लिए और इस तरह के जो ब्यूटीफुल से कुछ कोट्स लिखे होते हैं कलरफुल स्टोरेज जो जार्स आजकल आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर रखे हुए तो एकदम परफेक्ट है डाइनिंग टेबल डेकोर के नाम पर और इस तरह का ना रबड़ का ग्रिप है इनके लिड्स में तो एकदम एयर टाइट कंटेनर्स हैं ऐसा नहीं है कि बस फैंसी बस सो पीस जैसा बन के रह जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं हवा वगैरह नहीं लगेगा तो जो भी आप स्टोर करेंगे वो चीज़ बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है और ये टिन के डब्बे हैं और वन के की इनकी कैपेसिटी है तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है ये आर्टिफिशियल जो मनी प्लांट्स होते हैं ना वो और ये ना उनके बड़े बड़े स्ट्रैंड्स हैं सिंगल सिंगल और इस तरह के ढेर सारे स्ट्रैंड्स मैंने लिए हैं यूज़ करने के लिए होम डेकोर के लिए और इनकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है एकदम रियल नेचुरल मनी प्लांट जैसा लुक आता है बिल्कुल भी आर्टिफिशियल जैसा नहीं लगता इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ना उन सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है बस इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उन प्रोडक्ट्स को लिया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बल्कि सच पे उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ फ्रेंड्स आज के वीडियो में जितने भी ये होम डेकोर प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं उनका लेटेस्ट प्राइस भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हो सकता है उन्हें भी पसंद आए कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करना मैं मिलूंगी आपसे अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज टेक केयर एंड बाय बाय